हर हर महादेव। तो स्वागत है आज के इस ब्लॉग में दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मंगलमय होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, आनंदमय हूँ। और फिर से वही सफ़र, सुहाना सफ़र, सुहाने रास्ते, ये कठिन परिश्रम। चुरा जिला चंबा, ये देखिए सामने वैली और ये सामने माउंटेन, बहुत बढ़िया। ये है जसोरगढ़ रोड का हनुमान मोड़ा जिसे कहते हैं, और ये है हनुमान जी का मंदिर। यहाँ अपर होती है सभी मन्नतें पूरी, जो भी कामनाएं होती है वो पूरी होती है। ये सुहाना सफर जुड़े रहिए हमारे साथ, और गाइस जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको एक मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप यूट्यूब पे भी विजिट कीजिए। जिसका प्यार आप फेसबुक पे दे रहे हैं वैसा ही प्यार मुझे यूट्यूब पे मिले, और आप सब लोग जो जुड़े हैं वो जरूर विजिट करें। शास्त्री हिमाचल वाला इस नाम से जो है यूट्यूब चैनल मेरा, और वहाँ पर जरूर विजिट करें। और ऐसे ऐसे पहाड़ी माउंटेन, गाँव का रहन सहन, जीवन शैली, सब कुछ का आप लुत्फ जो है चैनल पर उठा सकते हैं। और आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते और आपके बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए जरूर विजिट करें। सामने जो बर्फ दिखाई दे रही है स्नोफॉल, ये आला वैली है, टॉप क्लास की वैली जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है। तो सभी दोस्तों को मेरा फिर से नमस्कार। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, आनंद में होंगे, और मैं भी बढ़िया हूँ, आनंद में हूँ। अभी हमारे चंबा में, चुरा में जो है अभी ठंड का जो प्रकोप है वो इतना कम नहीं हुआ है, क्योंकि बीच जैसे स्नोफॉल हुआ उसके बाद ठंड ज़्यादा हो गई। लेकिन जो ये जसोरगढ़ वैली जहाँ पर अभी मैं चला हूँ, यहाँ पर ठंड ज़्यादा है। जो पाली साइड है मेरा अपना घर, होम टाउन है जहाँ पर, टिकरीगढ़ वैली, उधर कम है, क्योंकि वहाँ धूप रहेगी तो वहाँ ठंड नहीं रहेगी। इसीलिए आप सबसे मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, आप सबका प्यार मिलता रहे महादेव। इन रास्तों को अपना मित्र बनाना पड़ता है, इन सफरों में रोज चलना है। तो मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि जो लाइफस्टाइल है आप इन गांवों के जीवन के बारे में जब आप देखेंगे, जब आप जानेंगे, तो आपको लगेगा कि कितना एक आनंद भरा जीवन हमारा रहता है, और हम किस आनंद में रहते हैं। आप भी इस चीज़ का आनंद ले सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ये देखिए नेचर के साथ रोज आप मिलते हैं, रोज उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो जीवन को एक अलग ही सुकून मिलता है। अगर आप नेचर के साथ नहीं जुड़े हो तो आप अभी अपने जीवन को नहीं समझ सकते। मकसद एक ही है कि आप जो है इस चुरा वैली के एक एक कोने को जाने पहचाने, और हमारे ग्रामीण जीवन के बारे में जाने, सांस्कृति धर्म प्रचार प्रसार, यही अपना एक कार्य है। इसमें आप हमारा साथ दें, चाहे आप फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, हर स्थान के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप जरूर विजिट करें और हमारे साथ जरूर इस चीज़ को एक्सप्लोर करें। और आप खुद फिजिकली आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपनी इस वैली में। ये देखिए सुंदर नज़ारा, ऐसा सुंदर नज़ारा बहुत कम है। बर्फ से लदे हुए पहाड़ आप देख सकते हैं, वाह ये देखिए कितना नजारा। ये देखिए वाह, देख के सुकून मिलता है ऐसे पहाड़ों को देखकर, जो बर्फ से लदे होते हैं, बिल्कुल निकट होते हैं, हमारे पास होते हैं। ये देखिए वाह भाई, आनंद है, आनंद है, मजा आ गया। देखने मात्र से ही जिस चीज को आनंद आ जाए तो वो फिर क्या बोल सकते हैं, उसके लिए कोई शब्द नहीं होते। ये देखिए इन रास्तों से गुजरना
हर एक आदमी के लिए सुकून दायक है। ये देखिए, ये हमारी सड़क है, ये हमारा जीवन। जब आप दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहर में रह रहे हैं तो आप मानिए आपके लिए ख्वाब एक सपना होगा कि ऐसा कहाँ होता है, लेकिन ये हमारे हिमाचल में जरूर होता है। ये देखिए, हर जगह पर छोटे छोटे मंदिर, पहाड़ियाँ, आस्था, एक अलग ही नज़ारा। सड़कों पे दौड़ना, चलना जिंदगी को एक संघर्षमय बनाता है। तो सोच रहे होंगे कि ये सड़क है, ये रोड है क्या? ये हमारा एक्सप्रेसवे है भाई, जहाँ पर हमारी रोज की जीवन की रेखाएं दौड़ती हैं, हमारी गाड़ियां दौड़ती हैं। ये है एक्सप्रेसवे हमारा। हम तो इसको ही एक्सप्रेसवे मानते हैं, जहाँ पर रोड बन गया है, हमारी गाड़ी के टायर जहाँ पर घुस गए, वो हमारी एक्सप्रेसवे है। और व्यू देखिए, व्यू का नज़ारा लीजिए, ऐसा व्यू आपको देखने को बड़ा कम मिलेगा भाई। स्वर्ग है स्वर्ग, सच में इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं बहुत घुमक्कड़ हूँ, मैंने पूरा भारत घुमाया, लेकिन नेक्स्ट प्लान मेरा यही है कि मैं थोड़ा सा सब कुछ बढ़िया आनंद में होगा परिवार में, तो एक टूर विदेश का बनाएंगे बहुत जल्द। पासपोर्ट तैयार है, अब ये है कि कोई साथी मिल जाए चलने वाला, क्योंकि भैया हमारी तो अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, तो विदेश में चाहिए अंग्रेजी, तो कोई अंग्रेजी में लेना पड़ेगा साथ में। सड़कें भाग्य की रेखा इसे कहते हैं। अगर थोड़ी सी बन गई जहाँ पर कि जहाँ पर हमारी गाड़ी जा सकती है, तो हम बोलते हैं कि अब जो है हमारे किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई है, हमारी वहाँ गाड़ी पहुँच रही है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते रहेंगे, कुछ और दिखाएंगे थोड़ी देर में आपको। तब तक के लिए नमस्ते।